गाइज हाई वेलकम एंड वेलकम बैक टू फैशन और नीट एंड आई एम गीतांजलि एंड आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ अपना अमेजोन हॉल। मैंने अमेजोन से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मेकअप प्रोडक्ट ट्राई करे थे एंड मुझे पर्सनली बहुत सारे पसंद आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनमें से थोड़े से आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप लोग चाहते हैं उनको लेना तो आप अपने पैसे जो है एकदम सही जगह पर इन्वेस्ट करो, ताकि आप जब वो प्रोडक्ट लो ट्राई करो तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील ना हो एंड आपको फील हो कि आपने जो अपने पैसे हैं बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्ट कर रखे। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं। उससे पहले वापस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। तो आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मैं सबसे पहले जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं शेयर करने वाली हूँ आईब्रो एनहेंसर, आईब्रो पेंसिल, जिस तरह से आप यूज कर सकते हो, जो बोल सकते हो वो। और मेरे को इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, अमेजोन की पैकेजिंग है, इस तरह से रिसीव हुआ था। इसके अंदर मुझे मिला है ये, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो ब्रांड है ये है बाय शेरी, SERY शेरी। मैं सबका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से उसको रिलेट कर सको। शेरी ब्रांड है, यह है डेफिनेशन माइक्रो ब्राउ पेंसिल, ये डार्क ब्राउन कलर की है और ये है वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। इस तरह की पैकेजिंग के साथ मेरे को रिसीव हुई है। इसका जो प्राइस है वो है 499, बट आफ्टर डिस्काउंट आपको कुछ कम में मिल रही है एंड प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, वर्थ ही, इसलिए मैं आपके साथ इसको ट्राई कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी वर्थ ही हो। ये जो प्रोडक्ट है ये वैगन है, क्रुएल्टी फ्री है एंड पैराबिन फ्री है, जिससे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करते हो इसके बॉक्स को, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है जो इस तरह से है, जिसके ऊपर लिखा है शेरी और ये ब्राउ पेंसिल। एक साइड आपको मिलती है स्पूली, जिससे आप अपने आईब्रोज के हेयर्स को कोम कर सकते हो, और अगर प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गया तो उसको अच्छे से स्प्रेड करके एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आईब्रोज की जो शेप है वो ला सकते हो। तो एक साइड ये है और इसमें ये अच्छे से कवर से सिक्योर है, दूसरी साइड भी इसका प्रोडक्ट निकलेगा जब आप इसको रोटेट करोगे, जिस तरह से आप अपने कोई काजल पेंसिल रोटेट करते हो, और जब आप रोटेट करते हो तो प्रोडक्ट निकलता है। आप थोड़ा सा निकाल कर इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, फिर स्प्रेड कर सकते हो, और इसको ही यूज़ करके मैंने जो अपनी आईब्रोज फिल करी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ब्राउ का जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट, एकदम ब्राउन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वाला, और बट इसका जो है ना डार्क ब्राउन है, तो मेरे जो आईब्रोज पे परफेक्टली जा रहा है। तो अगर आपकी जो आईब्रोज के हेयर से कलर है वो ब्राउन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छी आईब्रो पेंसिल में इन्वेस्ट करना एंड इतना बजट तक जा सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये ब्रांड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है एंड इसके मैंने दो प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे जस्ट फॉर ट्राई, लिपस्टिक्स वगैरह भी थी, तो बट मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाले ट्राई करती हूँ, अगर मुझे पसंद आएंगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा इन पर जाऊँगी। तो फर्स्ट है ये प्रोडक्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट है इसी ब्रांड का प्रोडक्ट है और इस बार है आईलाइनर, और इसी तरह की पैकेजिंग में आया। इस तरह की पैकेजिंग में मुझे फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट रिसीव हुआ है अमेजोन से, तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है एंड फनी भी है एट द सेम टाइम। तो ये है शेरी का, शेरी आई थिंक मैं इसको बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये है एक स्केच पेन लाइनर, मुझे स्केच पेन लाइनर चाहिए था, मैंने एक दो बार से स्केच लाइनर से ट्राई करा एंड मुझे सही लगा, अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ले लूँ, ट्राई करूँ और देखते हैं कि मुझे किस तरह से पसंद आएगा ये। सो मैंने सोचा कि मैं ना इसको लेकर देखती हूँ एंड ट्राई करती हूँ। तो इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है पेन टाइप में, और इस टाइप का है ये अंदर से। और अगर इसके कलर की बात करी जाए, सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, थिन से थिन और थिक से थिक आप लाइनर से क्रिएट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह है पेन शेल पेन लाइनर और यह है मिड नाइट ब्लैक, ब्लैक कलर में है ये, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, सही में वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ है। इससे आप किसी भी टाइप का लाइनर क्रिएट कर सकते हो, थिन से थिन और थिक से थिक, विंग बोल्ड किसी भी तरह से। मैंने अभी जो है वो थोड़ा सा थिक और कम विंग जो लाइनर है क्रिएट करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस लाइनर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसको मैंने अप्लाई कराया तो ना ये मैट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ग्लॉसी हुआ है, क्योंकि मैट मेरे पास बहुत सारे लाइनर्स हैं, बहुत सारे, एंड मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जैसे मैं अप्लाई करूँ तो थोड़ा सा ग्लॉसी हो। तो इसको अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा ग्लॉसी, बिल्कुल मैट नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड मुझे इसमें पैसे इन्वेस्ट करके बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ईजी टू अप्लाई है, टिप इसकी बहुत ज़्यादा थिन है। एंड अब मैंने इसको अप्लाई करा था, तो अब मैं इसको इस तरह से करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि स्मच प्रूफ है या नहीं है। तो यस, ये स्मच प्रूफ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है एंड आईज पे भी बहुत ज़्यादा इजीली क्रिएट हो चुका है, फाइन लाइंस में फिक्स नहीं हो रहा है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है मेरे पास ये, और ये है बेला विटा का लिप एंड चिक टिंट, और इस तरह की पैकेजिंग के साथ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिंक पैकेजिंग है इसकी, बहुत ज़्यादा छोटी सी, और यह है बेला विटा ऑर्गेनिक का न्यू एज आयुर्वेदा टिनी आई चीक्स एंड लिप टिंट है इसके अंदर, और इसके अंदर है पीच एंड जोजोबा। पीच जो है आपको इसका कलर मिलेगा, पीची कलर, और साथ में जोजोबा ऑयल आपकी स्किन को नरिश करने में हेल्प करेगा। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पैराबिन और सल्फेट फ्री है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मिलता है आपका एक छोटू सा ब्रश, और इस ब्रश के दोनों साइड, मतलब इस ब्रश के दोनों साइड है एक ये
स्पॉन्ज एप्लीकेटर है और एक ये ब्रश है जिसको मैं यूज कर चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा गंदा है। ओपन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है जिसके ऊपर वही सेम चीजें लिखी हैं एंड एक और कैप से सिक्योर है, और उसके बाद जब आप इसे ओपन करते हो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा आपको ये कलर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारा लगा है। मेरे पास लिप एंड चिक टिंट्स और भी हैं बट किसी का भी जो कलर है ना वो ये वाला नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अमेजोन पे इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट था तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। जब मैंने इसको अप्लाई करा है अपने चिक्स पे, आप देख सकते हो अपनी आईज पे एंड लिप्स पे, तो कितना ज़्यादा परफेक्ट और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये जो कलर है ना विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। विंटर्स अभी रहने वाली हैं एंड मार्च अप्रैल तक जो सीज़न होता है वो बहुत ड्राई वाला होता है एंड ये वाला कलर ना आपको बहुत ही ज़्यादा और प्यारा इफेक्ट देगा। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड मैं इसको आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड छोटू सा है तो आप इसी को कहीं पे भी अपने साथ ले जा सकते हो, अपने पर्स में कैरी कर सकते हो इनफैक्ट, और साथ में आप इसको अपने क्लच में भी डाल सकते हो। वैसे तो आप एक बार लगाओगे तो काफ़ी टाइम तक आपका चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रैवल करना है या फिर भी आप चाहते हो कि टचअप के लिए, तो आप इसे अपने क्लच में भी डाल सकते हो या स्लिंग बैग जो भी आप कैरी करते हो उसमें। सो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है जिसको मैं बस मतलब बहुत ही जब से आई थी मैं तभी सोच रही थी कि मैं आपके साथ इसको कब शेयर करूँ। और मेरे पास है ये जस्ट हर्ब की लिपस्टिक, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल से पर्स है, पैकेजिंग के साथ आती है। इसके ऊपर लिखा है जस्ट हर्ब्स और इसके अंदर है लिपस्टिक और ये है आयुर्वेदिक लिपस्टिक जिसके अंदर इतनी मिनी मिनी सी लिपस्टिक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, और इतनी सारी सी लिपस्टिक है, मैं आपको सारी ही दिखाती हूँ। इसके अंदर मिलेंगी आपको 16 जो लिप शेड हैं वो मिलेंगे, और उसके अंदर जो लिप शेड हैं वो सारे ही हैं रेड टोन में, पिंक टोन में, मरून टोन में, न्यूड में, और एकदम ही थोड़ा सा पीची टोन जो होती है उसमें है, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साथ में इसकी अच्छी बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, पिगमेंटेड है, साथ में ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अप्लाई है, और इसे आप अपनी पॉकेट में भी डाल के ले जा सकते हो। इसे आप अपनी पॉकेट में भी डाल के ले जा सकते हो, आपको कहीं पर भी टचअप करना हो कर सकते हो, आप इसको एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, एज अ ब्लशर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ब्लेंड है, सेटिन फिनिश के साथ आती है। तो अगर आपको चाहिए इतने सारे जो शेड्स हैं एक ही पाउच के अंदर जिसको आप कहीं पर भी ले जा सको, और अगर आपको कोई सा भी कलर स्विच करना हो तो आप जल्दी से स्विच कर लो, कम जगह में आ जाएं और कहीं पे भी चले जाएं, तो क्यों ना इसको हम ट्राई करें। एक आध जो शेड है वो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। सो इतनी छोटी सी है, इसको रोटेट करके आप, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कलर है ये, और ये थोड़ा सा वार्म ब्राउन कलर में है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है लिप्स पर लगने के बाद, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। एक आध मैं आपको और दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि इसको लेने के बाद मेरे माइंड में यह है कि मैं इसको अगर एक दो बार करूँगी तो ये तो दो दिन में ही खत्म हो जाएगी, लाइक दो बार मैं इसको अप्लाई करूँगी दो बार में खत्म हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको 10-12 बार अभी तक अप्लाई कर लिया है इनमें से लिपस्टिक को, एंड इसका साइज़ जो है ना अभी इतने का इतना ही, तो यानी कि बहुत दिनों तक चलेगी, अच्छे से पैक्ड है, खुली खुली पैकेजिंग नहीं है लिपस्टिक की, तो आप जब भी आप इसको अप्लाई करोगे आपके लिप्स से परफेक्टली जाएगी एंड आपका जो प्रोडक्ट है ना वो भी कम खर्च होगा, तो ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात है इसमें। नेक्स्ट जो शेड है थोड़ा सा पिंक शेड में है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है और ले जाना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। लाइक मेरे को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे ट्राई करना है कि किस तरह से है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे को वो चाहिए था बहुत टाइम से एंड मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सी ब्रांड का लूँ, कौन सी ब्रांड का लूँ, इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो मैंने ये लिया है बेला विट्रा का न्यू एज आयुर्वेदा ग्रो ब्राउ आईलैश और आईब्रो को ग्रो करने के लिए, वॉल्यूमनाइज बनाने के लिए। ये जेल है, ये फॉर्मूला है, ये ऑयल है जिसको आप अप्लाई करोगे तो आपके जो आईलैशेज हैं और आपके आईब्रोज हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, जिससे आपका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगे। मेरे जो आईलैशेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो बट नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी ब्रांड का लूँ, बट बेला विटा के जो प्रोडक्ट है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्राई कर रखे हैं, बहुत सारे मुझे सूट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने जाके इस ब्रांड का ये लिया ताकि ये मेरे लिए इफेक्टिव हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इस तरह की पैकेजिंग में आता है। जब आप इसे ओपन करते हो तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट इसकी बॉटल है, ये अंदर एप्लीकेटर है जिस तरह का हमारा लिपस्टिक्स वगैरह में होता है वो, इसके ऊपर लिखा बेला विट्रा ऑर्गेनिक। और जब आप इसे रोटेट करके निकालते हो तो आपको इस तरह से मिलता है, इसके एप्लीकेटर से बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाता है। अभी मैं आपको इसको यहाँ यूज़ करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाला नहीं है।
नेक्स्ट मैंने मंगवाया है कॉम्पैक और ये एलिएटिन का कॉम्पैक है जो लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक है, इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है, 100 रुपीज़ का आता है। और मेरे पास इसका ऑलरेडी एक और था जिसको मैंने बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया है, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ और अफोर्डेबल भी है, तो फिर क्यों ना इसको मैं ले ही लूँ। तो इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है, अंदर ये आता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अलग अलग तरह के कॉम्पैक्स यूज़ करने का मन करता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का आपको एक पैड मिलता है जिससे आप अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, एक मिरर मिलता है जिसमें आप देख कर अपने मेकअप भी सेट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एक मेकअप करूँ जो एलिएटिन का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल हो, उसके लिए मैंने मंगवाया क्योंकि ये वाला मेरा ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मेरे को एक नया चाहिए था। नेक्स्ट मेरे पास मस्कारा और ये है बिग आईज मैट लुक का मस्कारा। इसको मैंने पहले भी मंगवाया था अमेजोन से एंड दोबारा मंगवाया है मैंने, क्योंकि वो मैंने जब से लिया है थी मैं दिवाली के पास लिया था एंड जब से मैं उसे बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ बहुत बार, इसलिए वो मुझे लगा कि फिनिश होने वाला है। और जब मैं सामान मंगवा रही थी तो मैंने सोचा एक बार और मंगवा लेती हूँ आगे के लिए काम, क्योंकि अल्ट्रा अफोर्डेबल है, आई थिंक 125 का है आसपास, क्योंकि मैंने सारा सामान एक साथ नहीं मंगवाया था, थोड़ा आगे पीछे मंगवाया था। सबके जो स्क्रीनशॉट हैं प्राइस वगैरह के आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे से देख सको। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका वॉन्ड है, अच्छे से अप्लाई हो जाता है, ब्लैक है, वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को और अच्छे से कर्ल भी कर देता है। तो जिन मेरे तो लैशेस ब्राउन है और बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करा, अगर आपके लैशेस थोड़े से हैवी हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क। मस्कारा इतना सस्ता होने के बाद भी इसकी जो पैकेजिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गोल्डन कलर में है, ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 125 या 150 के अंदर वाला मस्कारा है। नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट हैं और ये है रेने की फेस किट और फेस स्टिक, जिसमें आपको मिलता है आई शेडो और एक ही मिलती है रेने की फैब 5 और इसमें 5 लिपस्टिक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पांचों लिपस्टिक में 5 शेड हैं तो आप अलग अलग तरह से इनको यूज़ कर सकते हो, ओकेजन वाइज इनको यूज़ कर सकते हो। ये पूरी फेस किट है तो इसे आई शेडो अप्लाई कर लो, आप अपना लिपस्टिक अप्लाई कर लो, ब्राइट रेड कलर है, ब्लश में पिंक कलर है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक निकाल के एक यूज़ कर लेते हो, अंदर से आपको इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सिमिलर पैकेजिंग इसकी है ये 5। सो इतनी सीधी वीडियो एंड इतने से प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि अगर आप लोग इनमें से किसी प्रोडक्ट को लेकर कन्फ्यूज़ हो कि ले या ना ले तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए एंड आप अपने पैसे में इन्वेस्ट कर सको एंड आपके पैसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो और जब प्रोडक्ट आपके घर आए तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओ। सो आई होप ये वीडियो, ये रिव्यू, ये हॉल आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अभी तक नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।